Good morning. 12 types of relation shall be flexible, non-linear, flexible, flexible, impeding, yeah, void relation. Impeding relation, void relation, we have to tell that. आज रिलेशन में क्या होती है नल फाइव सब्सेस ए यू बी उसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता सेकेंड क्या था अपने पास यूनिवर्सल ठीक है यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिलेशन में क्या था आर इक्वल टू A plus B. ठीक इसका हमने देखा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि सेट A दो रिलेशन एलिमेंट दो कॉमन होनी चाहिए. हमने बताया था ए रिलेशन आर इन सेट ए कॉल द रिफ्लेक्सिव ए को हमारे एल भी एलिमेंट सब तो कंडीशन भी ए हमारे एलिमेंट आर रिलेशन आर के तो बिलोंग्स टू फॉर एवरी एलिमेंट दैट इज फॉर एवरी एलिमेंट इन ऑफ द यूनिवर्स ए को यू सेट ए देयर आर या इसके एग्जांपल के अब रिफ्लेक्सिव जो है तो रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव फोर्थ ऑफ द सेगमेंट सिमेट्रिक रिलेशन ए रिलेशन आर इन सेट ए इस कार के सिमेट्रिक रिलेशन ठीक है इफ जब कंडीशन होती है ए बी बिलोंग्स टू इज अ रिलेशन आर ठीक है तो इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए बी ए बी बिलोंग्स टू आर इसके लिए ए रिलेशन बी हो तो
डेफिनेशंस कंप्लीट हो जाएगी आपकी टाइप्स ऑफ रिलेशंस की, फिर हम बात करेंगे होना चाहिए, ठीक है। से जान के साथ अगर हमने आप
आपको फाइल करना है इंप्रूव करना है आर इज प्रिंसिपल नॉट सिमेट्रिक तीनों चेक सबसे पहले यही चेक करना है आर यू आर यू क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कंडीशन जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एल एक्स बार प्लस थ्री वाई इक्वल्स ये क्या है अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन का यूज करते हैं
दोनों पार्ट इक्वल नहीं है, बराबर नहीं आया, इसलिए क्या हो गया? और तो आप एग्जाम्पल से सॉल्व कर सकते हो, इस बात पर ध्यान रखो कि आप एग्जाम्पल देकर बता सकते हो, ठीक है? क्या हो गया? आर इज लॉग इन क्या बोल रहा है? किसी भी नंबर पर जीरो पॉसिबल नहीं हो रहे, फिर हम इसका पहुंच कर सकते हैं, जिस भी सकते हैं
वहाँ प्रदर्शन करें, इन दोनों आप इन दोनों विषयों से सॉल्व करो और जीरो आता है तो नहीं होगा जीरो। ठीक है कि इन दोनों विषयों को प्लस माइनस करने के लिए जीरो नहीं होगा। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर की रूट करो या वाई स्क्वायर की रूट करो फिर भी इक्वेशंस सॉल्व नहीं होगी। कल अपने एनसीईआरटी के बुक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके okay?